कोरोना के संकट काल में जहां कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कैरियर बनाकर कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देवदूत बनकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। कोरोना काल के ये सुपर हीरो बिना किसी लालच के लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी ने अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना लिया है, कोई जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहा है, तो कोई लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहा है। समाज को आज ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनके जज्बे और हिम्मत से कोरोना जरूर हारेगा। शारदा जी, उनकी टीम ने ये बीड़ा उठाया है तो बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल के भरोसे कितने दिन चलेंगे? हम यही चाहते हैं सेकेंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। यहाँ पे कोई ले जाने वाला नहीं था, उनके घर में एक बेटी थी तो हमने उनका भी सहयोग करके उनकी बॉडी भी MBS तक पहुँचाई। हमारी उम्मीद सामाजिक संस्था ने जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमने अपनी इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन कन्वर्जन करते हैं, जो स्टोरेज है करते हैं, उनसे बात करके 10,000 लीटर आज जिला गुड़गांवा को देने का उनको वादा किया। कोरोना के संकट काल में भी इंसानियत की लौ मध्यम नहीं हो पाई है। इंसानियत धर्म बन गया है और लोग इसके नाम पर अपना फर्ज निभा रहे हैं। जहां कुछ लोग अपनों को कंधा देने तक को तैयार नहीं, वहीं कोरोना काल के देवदूत शवों का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। किसी ने अपनी कार को एम्बुलेंस बना दिया, किसी ने अपने स्तर पर ही क्वारंटीन सेंटर बना दिया, किसी ने श्वास बैंक बनाकर लोगों की जिंदगी बचाने का जिम्मा उठा लिया, कोई घर घर जाकर खाना पहुंचा रहा है, कोई पुलिस वालों को मास्क और फेस गार्ड बांट रहा है, कोई एक एक सांस के लिए तरसते मरीजों को प्राण वायु बांट रहा है। आज हम आपको कोरोना के उन सुपर हीरोज से मिलवाएंगे जो इस आफत काल में लोगों की मदद कर रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जोधपुर जिले में कोरोना के 1924 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त कुछ मौका परस्त एम्बुलेंस चालक कोरोना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने और शवों को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं। मंडोर इलाके के आदित्य सिंह ने लोगों की इस पीड़ा को समझा और अपनी लाखों की कीमत की दो कारों को मानवता की सेवा के लिए लगा दिया। आदित्य सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया है और जहां से भी उन्हें कॉल आता है और कोरोना संक्रमित को अस्पताल पहुंचाने या शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए कहा जाता है तो वो और उनके दोस्त अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं और अंतिम संस्कार तक करवा रहे हैं। अंतिम संस्कार हम लोग भागीदारी निभा रहे हैं। परिवार में जैसे कोई होता है, जैसे कोई किरायेदार होता है, जैसे हमारे पड़ोसी यहाँ पे नजदीक में सुतार फैमिली थी तो किरायेदार थे, उनके यहाँ पे कोई ले जाने वाला नहीं था, उनके घर में एक बेटी थी तो हमने उनका भी सहयोग करके उनकी बॉडी भी MBS तक पहुंचाई थी। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर की समाज सेविका शारदा चौधरी ने संकट की इस घड़ी में मानवता की सेवा करने का बीड़ा उठाया और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में 200 बेड लगाकर क्वारंटीन सेंटर तैयार कर दिया। यहाँ आने वाले मरीजों को 24 घंटे के लिए चाय, खाने और नाश्ते की व्यवस्था अपने स्तर पर शुरू कर दी। हम यही चाहते हैं सेकेंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। कोशिश यही करेंगे, कलेक्टर साहब, निगम आयुक्त, JDA आयुक्त सभी ये चाहते हैं भाई इनको पूरी फैसिलिटी मिले। कोशिश हम यही करेंगे उनको दवाई, डॉक्टर, नर्स, ऑक्सीजन की भी कोशिश कर रहे हैं। देखो बाकी यहाँ बेड पूरे, खाने की पूरी व्यवस्था है। अस्पताल से लेकर घरों में मौजूद गंभीर मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोरोना से जूझते लोगों से सांसों के सौदागर ऑक्सीजन के लिए मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं।
काला बाजारियों ने इस आफत को अवसर मान लिया है। सरकारें पूरा जोर लगा रही हैं ताकि जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और काला बाजारी पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन फिर भी समाज का साथ जरूरी है। लिहाजा मुंबई में सिख समुदाय के लोगों ने मुहिम शुरू की और लोगों तक ऑक्सीजन बांटने का बीड़ा उठाया। इस समूह ने एक कॉल सेंटर बनाया जिस पर फोन आते ही एक टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रवाना हो जाती है। यही नहीं, लोग चाहें तो इनके पास आकर भी छोटे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हैं। मैं शुरुआत तो 10 सिलेंडर से की थी, मैं देखा कि अगले दिन बहुत सारा डिमांड आ रहा है, कौन कॉल्स आ रहे हैं, तो हमने एक मैसेज वायरल किया कि यहाँ पे आपको 24 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं। तो वो वायरल ऐसा हुआ कि हमें स्कैर्सिटी चालू किया। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड लेके तो अब हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 60-70 सिलेंडर्स हैं और ऑलमोस्ट हमारे पास सरप्लस स्टॉक है जो हम पब्लिक की सेवा में लगाए हुए हैं। मुझे मेरे सिस्टर के लिए चाहिए था सिलेंडर, बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इनका नंबर दिया सिख कम्युनिटी का। तब मैंने उन्हें जैसे ही कॉल किया, उन्होंने बोला कि बस आप आ जाइए रिपोर्ट वगैरह लेके, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके, और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दिल्ली NCR समेत लगभग आधे भारत में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं मानेसर की एक निजी कंपनी ने ऑक्सीजन किल्लत को दूर करने के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने और रिफिलिंग का काम शुरू किया है। इस कंपनी के प्लांट से 10,000 लीटर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई जिला प्रशासन के साथ साथ दिल्ली NCR के इलाकों में पहुंच रहे कोरोना मरीजों के परिजनों को दी जा रही है। स्टार स्पेशल एयर गैस कंपनी मरीजों के कागजात देखने के बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर देती है या फिर रिफिलिंग करती है। हमने अपनी इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन कन्वर्जन करते हैं, जो स्टोरेज है करते हैं, उनसे बात करके 10,000 लीटर आज जिला गुड़गावा को देने का उनको वादा किया और DC साहब को हमने बोल दिया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि सभी को व्यवस्थित तरीके से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये हैं जम्मू के रहने वाले सोमनाथ डबगोत्रा। ये डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख हैं। तो फिलहाल सोमनाथ ने महामारी से लड़ रहे लोगों की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठा रखा है। सोमनाथ डबगोत्रा हर समय अपनी एम्बुलेंस लेकर तैयार रहते हैं, जैसे ही किसी जरूरतमंद की कॉल आती है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर निकल पड़ते हैं। News 18 से बातचीत के दौरान ही सोमनाथ के पास जम्मू के नानक नगर इलाके से कॉल आई कि एक मजदूर बीमार है और उसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। यही नहीं, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। इसके बाद सोमनाथ डबगोत्रा अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े और एक घर के बाहर पहुंचे, मरीज को अपने एम्बुलेंस में लिटाया और उसे तुरंत ऑक्सीजन दे दी। देशभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई मामले लगातार आ रहे हैं। एक NGO है डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सही में कोरोना बैरियर हैं, जो गाड़ी में ऑक्सीजन लेकर लोगों की मदद के लिए घर से निकलते हैं। कोई भी कॉल इनको आती है उस कॉल के ऊपर ये तुरंत पहुंचते हैं। अभी एक पेशेंट जो यहाँ ये नानक नगर इलाके में ये व्यक्ति काम करता था एक घर में, और इसमें थोड़े सिम्टम पाए गए थे कि शायद पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, तो उन्होंने कॉल की है। अब इस गाड़ी में डबगोत्रा जो चैरिटेबल के ट्रस्ट के जो यहाँ पर खुद ये इंचार्ज हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उनके साथ पहुँचे हैं। 2 बजे 3 बजे जब भी किसी को जरूरत पड़े, ऑक्सीजन की पड़े, एम्बुलेंस की पड़े, या और कहीं हम उनके काम आ जाए, हम पूरी जरूरत उनकी पूरी करते हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों, उनके तीमारदारों और गरीबों के लिए इस वक्त खाने का इंतजाम भी किसी जद्दोजहद से कम नहीं। लिहाजा जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाया है दिल्ली BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। BJP युवा मोर्चा से जुड़े लोग मास्क और फेस शील्ड पहनकर खाना तैयार करते हैं, खाने को अच्छी तरह पैक करते हैं, फिर उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही नहीं, BJP युवा मोर्चा दिल्ली में लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था कर रही है।